दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं एप्पल के नए लैपटॉप के बारे में। एप्पल एक प्रीमियम लैपटॉप क्रिएटर है। इंटरनेट की खबरों पर अगर भरोसा करें तो जल्द ही एप्पल आपके लिए एक नया मैकबुक लॉन्च कर सकता है दोस्तों। तो क्या है इस नए मैकबुक में खास, क्या होंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, इसकी प्राइस क्या होगी और कब तक ये आ जाएगा मार्केट में, जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनुज, आप देख रहे हैं टेक्नो ब्रेक्स। चलिए शुरू करते हैं। पोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल जल्द ही अपना एक ब्रांड न्यू लैपटॉप मार्केट में लॉन्च कर सकता है दोस्तों। इस लैपटॉप की साइज 13 इंच होने वाली है। इस लैपटॉप को 13 इंच की एंट्री लेवल कैटेगरी में रखा गया है। इस लैपटॉप में रेटिना फंक्शन अवेलेबल होगा। मैकबुक का न्यू मॉडल आपको मार्केट में जून तक अवेलेबल हो सकता है। जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो वो करंट 12 इंच मैकबुक से कम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। 13 इंच मैकबुक का डिस्प्ले 13 इंच मैकबुक प्रो की तरह ही होने वाला है। ये एक पावरफुल प्रोडक्ट लग रहा है जिसके स्पेसिफिकेशंस मैकबुक एयर से ज़्यादा बेहतर हैं, वो भी उससे काफ़ी कम प्राइस में। 13 इंच रेटिना मैकबुक की प्राइस करंट मैकबुक एयर की प्राइस टैग से काफ़ी कम होने वाली है दोस्तों। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक मज़ेदार बात सामने आई है और वो यह है कि एप्पल ने इस लैपटॉप की डिस्प्ले में कॉस्ट सेविंग्स करने के लिए एक चाइनीज़ कंपनी को अप्रोच किया था, लेकिन क्वालिटी इश्यूज आने की वजह से एप्पल ने इसमें फाइनली एलजी का डिस्प्ले यूज़ किया है। जैसा कि हमें पता चला है, न्यू एंट्री लेवल मैकबुक की प्राइस 12 इंच मैकबुक से कम होने वाली है, लेकिन इस बात का कन्फर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाया है कि प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस क्या होगी। न्यू मैकबुक का प्रोडक्शन मई एंड तक स्टार्ट हो सकता है और 2018 में एप्पल टोटल 4 मिलियन यूनिट सेल करना चाहती है दोस्तों। जनरली इस तरीके की प्रोडक्ट न्यूज़ प्रोडक्ट लॉन्च से रिलेटेड एप्पल हमेशा से अपने वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में देता आया है दोस्तों। हालांकि वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में सिर्फ यही अपडेट शेयर नहीं होते, इसके अलावा भी काफ़ी कुछ होता है शेयर करने के लिए। लास्ट ईयर एप्पल ने इसी प्लेटफॉर्म पर न्यू iMac Pro, होमपैड और iMacs के बारे में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की थी दोस्तों। यहाँ पे कमाल की बात यह है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का नाम 13 इंच मैकबुक बताया गया है, ना कि मैकबुक एयर। दोस्तों हमारे पास न्यूज़ ये भी है कि iPad Pro के न्यू अपग्रेडेड हार्डवेयर पार्ट्स एप्पल प्रोड्यूस कर रही है। रूमर्स पर ट्रस्ट करें तो इस साल एटलीस्ट एक iPad कम्प्लीटली न्यू आइडेंटिटी के साथ लॉन्च हो सकता है। इसमें होम बटन को हटा दिया जाएगा और फेस रिकॉग्निशन या फेस ID अनलॉक जैसे फीचर्स आ सकते हैं। एप्पल हर साल अपने मैक कंप्यूटर्स को अपग्रेड करता है, लेकिन सारे अपग्रेडेड आउटस्टैंडिंग्स नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एप्पल न्यू मैकबुक प्रोस को इस साल रिलीज़ तो करेगा, लेकिन आपको कोई मेजर चेंजेस की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एप्पल बस इन मशीन्स की सिर्फ प्रोसेसिंग पावर्स को अपग्रेड करने वाला है। एक और न्यूज़ के अकॉर्डिंग यह भी बताया जा रहा है कि मैकबुक एयर सीरीज़ फाइनली डिसकंटिन्यू की जा सकती है और इसी वजह से एप्पल न्यू 13 इंच एंट्री लेवल लैपटॉप को लॉन्च करने वाला है। न्यू एप्पल लैपटॉप्स में एप्पल के ग्लोइंग लोगों को आप मिस कर सकते हैं। एप्पल करंटली एटलीस्ट 3 अपडेटेड मैक मॉडल्स पर काम कर रहा है। इसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात सामने यह है कि इन मशीन्स में एप्पल अपने कस्टम को प्रोसेसर्स को लगाने वाला है। ये कस्टम को प्रोसेसर्स इंटेल सिलिकॉन चिप्स के साथ में लगे होंगे। बहुत से लोग काफ़ी लंबे टाइम से इसी का वेट कर रहे थे कि कब एप्पल अपने खुद के कस्टम प्रोसेसर्स को या चिप्स को प्रैक्टिकली यूज़ करने वाला है, पर इस साल भी प्रैक्टिकली ये सारे मॉडल्स में अपडेटेड नहीं होने वाले हैं। एप्पल अपने प्रोसेसर्स को स्टार्टिंग में एज ए को प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है, जो कि लगे होंगे मैक में, लैपटॉप्स में और डेस्कटॉप में भी। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप जुड़े रहिए टेक्नो ब्रेक्स के साथ।